नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज 18 में और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जहां मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की बात कही जा रही है, वहीं सुजालपुर नगर में वार्ड क्रमांक 13 व 17 के हालात दयनीय हालात में पहुंच चुके हैं। वैसे तो नगर पालिका के कुछ कर्मचारी सुजालपुर को स्वच्छता में नंबर वन लाने का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वहीं जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वे एक आईना है जो नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों के लिए आईना साबित हो सकती है। तस्वीरों में आप जो कीचड़ देख रहे हैं वे बारिश का नहीं होकर नगर पालिका की अनदेखी का एक रूप है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले सैकड़ों स्कूली छात्र व दोनों घाट के रहवासी किस तरह से कीचड़ से होकर गुजरते हैं। जानकार बताते हैं कि वैसे तो प्रेम नगर कॉलोनी का नाम आज से 20 साल पहले भी कीचड़ कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन आज भी जब हिंदुस्तान को चांद पर पहुंचने की बात कही जा रही है, उस वक्त भी सुजालपुर नगर के वार्ड क्रमांक 13 व 17 हालात दलदल जैसे बने हुए हैं। कहने को ये पानी पाइपलाइन फूटने का बताया जा रहा है, लेकिन आखिर क्यों नगर पालिका सैकड़ों वार्ड वासियों की समस्या को अनदेखी कर आम जनता को अपने हालात से निपटने पर मजबूर कर रही है। हालांकि वार्ड पार्षद बीजेपी व कांग्रेस की राजनीति का बहाना कर अपनी जवाबदारियों से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। अब जब स्ट्रीट न्यूज 18 ने वार्ड के शिक्षित लोगों से बात की तो उन्होंने किस तरह अपनी समस्या सुनाई, आप खुद सुनिए। आपने मेरे संज्ञान में कुछ जगह बताई है, उसको मैं दिखवाता हूँ, आज जांच करवाता हूँ। उन जगह पर अगर गंदगी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध में कार्रवाई करूँगा मैं, और भविष्य के लिए वो चेतावनी दूँगा। और वो सफाई नगर के अंदर अच्छी हो और स्वच्छता में सुजालपुर एक नंबर आए, हमारी कोशिश पूरी रहेगी। सर, वार्ड क्रमांक 13 और 17 के बीच का रोड जहाँ पानी भरा हो, लोग वाकई परेशान हैं, किस तरह से उनको आप निजात दिलाने जा रहे हैं? हाँ, वो मैंने खुद जाके वहाँ पर मौका देखा है और उसका एस्टिमेट भी बनाया, और आज ही आपके आपसे चर्चा हुई है मेरी, अभी तो उसकी टीएस आ चुकी है और शीघ्र हम उसका टेंडर लगा के वर्क ऑर्डर जारी कर रहे हैं। लाभकारी तो नहीं बोल सकते इसको, एकदम हानिकारक है जी। और जहाँ देखो गंदगी का अंबार लगा हुआ है जी। वो प्रेम नगर काफी समय से कॉलोनी है ये, लेकिन डेवलप नहीं हो पाई अभी तक जी। 25 से 30 वर्ष पुरानी कॉलोनी है जी। लेकिन डेवलप नहीं पाई, ना तो रोड है अपर ना ही नाली है, और गंदगी तो जहाँ देखो वहाँ पर मिलती है आपको। तो आने वाले 20 सालों में जब से कॉलोनी ऐसी है जी, जो अभी वर्तमान में मेन रोड की हालत है वो किस तरह से? वो बिल्कुल कीचड़ कॉलोनी के नाम से पहले उसी जी, दोनों पार्षदों ने जो कुछ भी नहीं करा जी। अभी स्वच्छता के लिए सुजालपुर में नंबर वन का डिंडोरा पीट रहे हैं कर्मचारी, कुछ नहीं है, आके देखा तो यहाँ पे बिल्कुल स्वच्छता के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना झाड़ू लगती है, ना नालियों में साफ है, बिल्कुल गंदगी का वातावरण बना हुआ है। सुजालपुर से स्ट्रीट न्यूज 18 के लिए दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।